गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग अपने पहले सोनी के मिररलेस व्लॉगिंग कैमरा की। ये है सोनी का ZV-E10L जो कि एक व्लॉगिंग कैमरा है। अब इस कैमरे की भी एक कहानी है। ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2021 में, उसके बाद 3 महीने तक ये खूब बिका। उसके बाद दिसंबर में सोनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो गई थी। और उसके बाद इस कैमरे की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, बहुत सारे लोगों ने इसका वेट किया जैसे कि मैंने भी, और आज फाइनली ये कैमरा मुझे एक सोनी सेंटर से मिल गया है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं इस कैमरा की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके बॉक्स से कंटेंट्स क्या है और कैसे हैं कैमरा के फर्स्ट इंप्रेशंस। अनबॉक्सिंग के बाद मैं इस कैमरा से रिकॉर्ड किए हुए कुछ क्लिप्स भी डालूंगा जिनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस कैमरा की क्वालिटी कैसे है। ये है इसका बॉक्स। सबसे पहले बॉक्स की सभी साइड्स को देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर मेंशन है सोनी की ब्रांडिंग, 2 साल की वारंटी, और इसके साथ मिलता है 64GB का एक मेमोरी कार्ड। बॉक्स के फ्रंट साइड पे कैमरा बना हुआ है और साथ में लेंस, साथ में एक शूटिंग ग्रिप भी बना रखी है और इसे आपको अलग से परचेज करना होता है एक एक्सेसरी की तरह। बॉक्स के इस साइड में मेंशन है वो सोनी सेंटर का नाम जहाँ से मैंने ये खरीदा है। साथ में मेंशन है इसका मॉडल नंबर विच इज ZV-E10L, ब्लैक कलर, कुछ सीरियल नंबर्स, बारकोड्स एटसेट्रा। बॉक्स के पीछे की साइड अल्फा की ब्रांडिंग मिलती है और साथ ही इस साइड आपको देखने को मिलता है कैमरा का मॉडल नंबर और इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके फीचर्स, मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर विच इज May 2022। MRP mentioned है 69,990, बट मुझे इस पे अच्छा डिस्काउंट मिल गया है एंड इट इज मेड इन थाईलैंड। बॉक्स के नीचे की साइड कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मेंशन है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स और पैकेजिंग। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले आपको मिलता है एक विंड मफ। अगर आप विंडी कंडीशंस में अपने व्लॉग कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत काम आता है। इसके बाद आपको मिलती है ये एक केबल जो कि चार्जर से अटैच होती है। ये है इसकी बैटरी। ये है एक USB-C to USB-A केबल। ये एक अच्छी चीज़ है कि ये कैमरा USB-C सपोर्ट करता है। ये है इसका चार्जर। ये है कैमरा का स्ट्रैप जिसपे सोनी की ब्रांडिंग है। और ये है अपना कैमरा सोनी ZV-E10 विद ई माउंट, और इसके साथ अटैच्ड है ये 1650mm किट लेंस। ये 3.5 टू 5.6 अपर्चर को सपोर्ट करता है और ये ई माउंट सोनी कैमराज के लिए है। कैमरा के टॉप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, ये एक रिकॉर्डिंग बटन है, ये बुके स्विच है, ये जूम इन जूम आउट बटन है, और ये एक और कंट्रोल है जिसको यूज करके आप वीडियो फोटो में स्विच कर सकते हैं। साथ ही इस तरफ देखने को मिलता है आपको मेन्यू बटन, फंक्शन बटन, और साथ ही एक रिंग है जिसको घुमा के आप अपनी फोटोज को स्क्रॉल कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ZV-E10 की ब्रांडिंग है और यहाँ पे मेंशनड है 4K, बिकॉज ये कैमरा 4K रिकॉर्डिंग कर सकता है। इस कैमरा में आपको मिलती है एक फुली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन। इस तरह की स्क्रीन बहुत हेल्पफुल रहती है उन कंडीशंस में जहाँ आप अपने सेल्फी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो। कैमरा के बेस को अगर देखें तो यहाँ पे आप अपनी बैटरी और SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है ट्राइपॉड अटैच करने के लिए एक छोटा सा माउंट। कैमरा के लेफ्ट साइड में एक विंडो है जिसे ओपन करके आपको मिलेगा इसका चार्जिंग पॉइंट और साथ ही मिलेगा HDMI आउटपुट, और साथ ही एक छोटी सी विंडो है जिसमें आप अपना माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं। कैमरा के राइट साइड में कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस कैमरा के फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही लाइट वेट कैमरा है, और जो 1650 इसके साथ किट लेंस दिया गया है आई थिंक ये वाइड एंगल शॉट्स लेने में भी बहुत काम करेगा। ये है 64GB SD कार्ड जो कि इस कैमरा के साथ ही प्रोवाइड किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कैमरा के कुछ यूनिक फीचर्स की जो बना देते हैं इसको एक परफेक्ट व्लॉगिंग कैमरा। तो जो पहला फीचर है दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड डीफोकस। इसका मतलब एक सिंगल क्लिक से आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट सिचुएशन में मेरे बैकग्राउंड में जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हैं, और ये मैंने बैकग्राउंड डीफोकस बटन को क्लिक कर दिया है जिसे क्लिक करते ही मेरे पीछे की सभी चीज़ें ब्लर हो गई हैं। इस टाइम पे सारा फोकस मेरे फेस पे है और मेरी दाढ़ी काफ़ी वाइट दिख रही है, बट इसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। एनीवेज ये इस कैमरा का एक बहुत अच्छा फीचर है जिसे आप सिंगल क्लिक में अपने बैकग्राउंड को ब्लर या क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो आपको इस कैमरा में मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट शोकेस। इसका मतलब है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन होती है जब आपको अपने प्रोडक्ट को कैमरा के बहुत ही पास ले जाके उसकी डिटेल्स दिखानी होती हैं। इस टाइम मेरे हाथ में मेरा आईफोन है और जैसे ही इस आईफोन को मैं कैमरा के पास लेके आऊँगा
मेरा फेस ब्लर हो जाएगा और पूरा फोकस इसके लाइटनिंग पोर्ट पे आ जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट रिव्यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा फीचर होने वाला है। इस कैमरा का जो इनबिल्ट माइक है उसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस टाइम पे मैं इस कैमरा का इनबिल्ट माइक ही यूज़ कर रहा हूँ और जैसे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये बिल्कुल अनएडिटेड वॉइस है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। किसी भी कैमरा में एक अच्छा माइक्रोफोन होना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है और उस केस में आपका पूरा वीडियो ऑडियो क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से ख़राब हो जाता है। तो मेरी तरफ से इस कैमरा के माइक्रोफोन को मिलते हैं फुल मार्क्स। एक और इस कैमरा का बहुत ही यूज़फुल फीचर है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं तो स्क्रीन के आसपास ये एक रेड कलर की लाइन बन जाती है। ये एक इंडिकेटर होता है कि आपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम यूट्यूबर्स व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि रिकॉर्डिंग बटन तो दबाया ही नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है एंड इट विल मेक श्योर कि आपका कोई भी वीडियो क्लिप मिस ना हो जब आप बाहर आउटडोर्स में या कहीं भी वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स मिलके बनाते हैं इस कैमरा को एक परफेक्ट व्लॉगिंग कैमरा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे अनबॉक्सिंग और टेक्निकल रिव्यूज आते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।